एक बहुत बड़ी रैली 18 जुलाई को निकली किसानों की, स्वराज अभियान, योगेंद्र यादव भी उसका बहुत बड़ा हिस्सा थे, मंदसौर से निकली, पूरे नॉर्थ इंडिया को छापते हुए दिल्ली पहुंची, उसमें बीकेयू का की भागीदारी क्यों नहीं थी? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं लगा होगा मौका, कोई ऐसी परेशानी नहीं कुछ, वो भाई हमारी कोई हमारी भागीदारी उसमें, मैं भी किसान हित की बात कर रहे, हमारा कोई मनमुटाव नहीं, कोई वो नहीं है सर। आपको क्या लगता है नरेश जी कि इस समय जब किसान, आपने खुद ही कहा कि किसानों की समस्या जो है वो सारे किसानों की समस्या एक ही है, तो क्या आपको लगता है कि किसी इस तरह की सोशल मूवमेंट्स की यूनिटी जो है अलग अलग किसान यूनियंस के बीच, अलग अलग किसानों के समुदायों के बीच में बननी चाहिए या नहीं? नहीं बननी चाहिए, सब संगठन एक होकर बात करें, अच्छी रहे बातचीत, हमारी मंजिल तो एक ही है, जितनी हमारी मांग है, जितनी समस्याएं हैं सब किसानों की है, इसमें कोई पार्टी का या कोई किसी और संगठन का कोई वो नहीं। 2019 बहुत नज़दीक है, अगर किसानों की जो समस्याएं हैं उसको केंद्र सरकार या राज्य सरकार मिल के हल नहीं कर पाती है, 2019 में भारतीय किसान यूनियन की क्या रणनीति होगी अगली सरकार के लिए? किसान यूनियन तो एक अराजनीतिक संगठन है, इसमें ये राजनीति में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते ना, हमें कोई केंद्र सरकार बनी हमें ना कोई ऐसी खुशी है ना ऐसा गम है, कोई वहाँ से कोई किसी का कुछ नहीं बात। लेकिन बीकेयू का सपोर्ट था 2014 में, इतना सपोर्ट तो था नहीं, पर जब लोगों का रुझान ज़्यादा रहा तो हम भी उस समय बह गए, ठीक है भाई जब हम अपने जो जितने हमारे आदमी हैं उन्हें दुखित हो वो नहीं चाहते, नाराज नहीं चाहते हो ना, जब मैं कह रहे भाई इनका भाजपा के ले रहे, मैं कह भाई ठीक है ले रहे। तो 2019 के लिए क्या रणनीति होगी? रणनीति तो अगर सरकार सही नहीं उस पर खरी उतरती तो ठीक शुभ लक्षण नहीं रहने के, अगर नहीं खरी उतरती तो देखो तो काम है इस हाथ काम देना तो इस हाथ लो। एक तरह से आपका ये खुला हुआ थ्रेट है भाजपा और गठबंधन को कि वो आपको सीरियसली ले वरना 2019 में उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं प्रॉब्लम तो हो जाएगी सर, क्या वो है बातचीत, प्रॉब्लम में दिक्कत होने में क्या है कि एक बटन ही तो दबाना भाई प्रॉब्लम में तो कोई वो नहीं है, कोई हमारे पर कोई दबाव नहीं, कोई बंधन नहीं, तो वो तो हमें काम दोगे तो हमारे पर तो काम ले लो भाई, अगर काम दोगे तो काम ले लो, काम में क्या ऐसी बात है, वहाँ से मध्य प्रदेश में उसमें मंदसौर में इस तरह का वो हुआ, इस तरह की तानाशाही, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने इस तरह की तानाशाही दिखाई तो अच्छा तो नहीं दिखा, लोगों ने करके दिखा दिया, पूरे भारत में एक आवाज़ उठ गई एक दमक पर इस तरह की, निहत्ते किसानों पर छः सात किसान मार दिए गए, मुख्यमंत्री को क्या ऐसी नौबत आई भाई, वो दशहरा पार्क में अनशन पर भी बैठ गया, फिर भी तानाशाही दिखाता वहाँ से, मतलब गलती तो हुई सर, महसूस हुई कि भाई एक आग बढ़ गया इस तरह से अनशन पर बैठ गया, भाई मेरे तो भूल होगी मेरे तो वो होगा, तो हम लोग इस तरह की एक मुख्यमंत्री है वो हम उसे चैलेंज नहीं देते, पर एक जिम्मेदारी तो है।